नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कुकिंग विद नेहा सिंह चैनल पर। और आज हम आपके साथ दही भल्ले की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। इसे मैंने ब्रेड से बनाया हुआ है, साथ में इसके अंदर नट्स और पनीर की फिलिंग भी भरी हुई है। आइए देखते हैं हम इसकी रेसिपी। इसके लिए हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं, जैसे कि हरी चटनी, धनिया मिर्ची, लहसुन, टमाटर से मैंने ये चटनी बनाई है। मीठी चटनी को हमने गुड़ और अमचूर पाउडर से बनाया है। थोड़ी सी बूंदी है, आधी छोटी चम्मच हमने जीरा पाउडर लिया है। थोड़े से काजू बादाम हमने काट लिए हैं और कुछ किशमिश का यूज़ हम इसमें करेंगे। और थोड़ी सी पनीर हमने ग्रेट करके ले ली है, यानी कद्दूकस करके। आधे कप के लगभग हमने दूध ले लिया है। और ये हमने दही लिया है 3/4 कप। कुछ ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, जितने आपको बनाने हो उसके हिसाब से आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं। अब हम दही भल्ले की फिलिंग तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हमने कद्दूकस किया हुआ पनीर ले लिया है। और अब हम इसमें कुछ मेवा ऐड कर रहे हैं, जैसे काजू बादाम मैंने बारीक काट कर ले लिए हैं। और थोड़ी सी किशमिश का भी हम इसमें यूज़ करेंगे। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें नमक भी यूज़ कर लें। और अब हमने कुछ ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, इसके हम एजेस को कट कर लेंगे एक चाकू की सहायता से। दही भल्ले बनाने में हमें ताजे ब्रेड का ही यूज़ करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जब हम इसे फोल्ड करते हैं तो इसे टूटने की काफ़ी संभावना हो जाती है और ये जल्दी गल जाएंगे अगर ये बासी होंगे तो। हमने थोड़ा सा दूध लिया हुआ है, इसमें हम एक छोटी चम्मच शक्कर मिला लेंगे, इसे चीनी या शुगर भी कहते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक चम्मच की सहायता से। जैसे ये मिक्स हो जाए तब हम इसे ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करेंगे एक ब्रश की सहायता से। अगर आपके पास ब्रश ना हो तो आप किसी चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं। हमें इसमें बहुत ज़्यादा दूध नहीं लगाना है एक ही जगह पर, वरना ये ब्रेड गल जाएगी। हमें बहुत थोड़ा सा दूध लगाना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से फोल्ड होने लगे। अब हमने इसके अंदर फिलिंग भर ली है पनीर और नट्स की, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। अब धीरे धीरे से इसे हम ऐसे लड्डू जैसे शेप में ला लेंगे। जहाँ पे आपको थोड़ा सा ड्राई लगे ब्रेड, उसमें आप थोड़ा सा दूध और लगा सकते हैं ताकि वो अच्छे से फोल्ड हो जाए। इसे हमें हल्का हल्का सा प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा जोर से नहीं दबाना है वरना ये टूट जाएगा। सेम प्रोसेस हम दोबारा से कर रहे हैं। अगर आपको मीठी चटनी की रेसिपी देखनी हो तो वीडियो के लास्ट में एक वीडियो सजेस्ट में आएगा, आप उसे देख सकते हैं। अब इस पे हमने दूध अच्छे से फैला के लगा लिया है। अब इसके किनारों पर भी हम दूध लगाएंगे हल्का हल्का सा, बिल्कुल इस तरीके से, ताकि ये अच्छे से फोल्ड हो जाए। लीजिए, ब्रेड पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब हम इसमें फिलिंग भरेंगे। अगर आपको काजू बादाम और किशमिश की जगह पनीर की जगह कोई और फिलिंग भरनी हो, जैसे आलू वगैरह की, तो आप वो भी भर सकते हैं। देखिए, इसी तरीके से हम सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम एक पैन रख रहे हैं हाई फ्लेम पर, इसे हम हल्का हल्का सा सैलो फ्राई कर रहे हैं। अगर आपको सैलो फ्राई ना करना हो तो आप ऑयल फ्री भी इसे यूज़ कर सकते हैं, इसे तलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सैलो फ्राई करने से इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, इसलिए मैंने इसे सैलो फ्राई किया हुआ है। पर मैंने इसे डीप फ्राई नहीं किया, वरना यह अनहेल्दी डिश हो जाती। जब हमने पैन गैस पर रखा तब इसकी फ्लेम हाई थी। जैसे ही हमने इसमें दही बड़े ऐड कर दिए हैं, इसकी फ्लेम हमने लो कर दी थी। और इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है और थोड़ी थोड़ी देर में इसे पलटते रहें जब तक इस तरीके से फ्राई ना हो जाए। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में, हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूंजने हैं। लीजिए, अब हम इसकी गार्निशिंग कर रहे हैं थोड़े से खट्टे मीठे दही के साथ। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनके रिप्लाई ज़रूर दूंगी। लाल चटनी की रेसिपी मैंने समोसे वाली रेसिपी में दी हुई है, इसलिए बार बार मैंने आपको इसकी रेसिपी बता के टाइम वेस्ट नहीं किया। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको हरी चटनी की भी रेसिपी दे दूँगी। मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा काला नमक और सफ़ेद नमक इसके ऊपर से स्प्रेड कर दिया हल्का हल्का सा। और इसके ऊपर अब हमने थोड़ी सी बूंदी डाल दी है। लीजिए, दही भल्ले तैयार हो चुके हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें।